हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट टू वीडियो ऑफ लेसन नंबर 5. प्रीवियसली आई हैड एक्सप्लेन यू अबाउट फूड एंड हेल्थ. टुडे वी विल टॉक अबाउट डिजीजेस. वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, द टाइप्स ऑफ डिजीजेस, कम्युनिकेबल एज वेल एज नॉन कम्युनिकेबल. अ डिजीज इज एन डिफेक्ट और एबनॉर्मलिटी फाउंड इन द बॉडी. कोई भी प्रॉब्लम होती है, एबनॉर्मल थिंग होता है हमारी बॉडी में, तो उसको डिजीज़ किया कहा जाता है, जिसको हिंदी में बीमारी भी बोलते हैं. एबनॉर्मल कंडीशन इन आवर बॉडी एंड हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती, हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है हम ठीक से नहीं कर पाते, हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगती है अंदर से, तो उसको बोला जाता है डिजीज़, यानी कि बीमारी. दे आर क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस. ये दो तरह के होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल. नॉन कम्युनिकेबल जो एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकती हैं, डिजीजेस विच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दे आर कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. और इसका दूसरा नाम डेफिशिएंसी डिजीज़ भी होता है. हमने पार्ट वन वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो उन न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी होती है, देयर इज़ लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, और इन आवर बैलेंस्ड डाइट जो हम खाते हैं उसमें कमी होती है, तो हम उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. जब हम डाइट में डेफिशिएंसी रहती है हमारी न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि आप लोग जंक फूड ज़्यादा खाएंगे, हेल्दी फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी में जो ये 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स अगर कम हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी में डिजीज़ होगी, यानी बीमारी होगी, विच इज़ कॉल्ड एज डेफिशिएंसी डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. दे आर कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आइदर प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, किसी एक की कमी हो जाना तो उससे नॉन कम्युनिकेबल यानी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है. डिजीज़ अब प्रोटीन की कमी से कौन सी होती है? प्रोटीन की कमी हो, इफ़ देर इज़ लैक ऑफ प्रोटीन, सो दैट इज़ क्वाशियोरकर. आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, क्वाशियोरकर इज़ द डिजीज़ विच इज़ कॉज ड्यू टू द lack of proteins and sometimes carbohydrates also. So this disease occurs in the age of 1 to 5 years. आपके टेक्स्टबुक में पेज नंबर 51 पे दिया भी हुआ है पिक्चर. छोटे बच्चों में अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स नहीं खिलाए जाएंगे, तो उनमें ये डिजीज़ ज़रूर होगी. सो इसके सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि ये क्वाशियोरकर का डिजीज़ है? स्वोलन एब्डोमन. एब्डोमन मतलब पेट के नीचे का एरिया है, पेट का एरिया स्वॉलन, फूला हुआ हो जाता है, और लेग्स जो हैं, टांगे वीक, पतली हो जाती हैं. देन लोअर बॉडी वेट एंड रिटार्डेड ग्रोथ. बॉडी का वेट बहुत ही कम होता है, मतलब अंडर वेट हो जाते हैं, हमारी एज और हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं होता, और रिटार्डेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ जो है रुक जाती है. हाइट का बढ़ना, हेल्थ का बढ़ना, हेयर गेट्स डिसकलर्ड, हेयर ब्लैक कलर का नहीं होता, धीरे धीरे वाइट होता है, ये देखिए. और क्या होता है, हमारा ग्रोथ रुक जाता है, चाहे बाल हो, नेल्स हो, कुछ भी हो. सो क्वाशियोरकर कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग प्रोटीन रिच मदर मिल्क एंड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड. ये तरीका है, अगर बच्चे में क्वाशियोरकर डिजीज़ नहीं हो, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड बच्चों को खिलाया जाए. यू कैन सी स्वॉलन एब्डोमन एंड रिटार्डेड ग्रोथ, हेयर डिसऑर्डर, कम बाल होंगे, या फिर क्या होगा, बाल सफ़ेद होंगे, या बालों की ग्रोथ नहीं होगी. आप पेज नंबर 51 पे ज़रूर देखिएगा. देन कम्स अनदर डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड एज मरास्मस. मरास्मस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. अगेन ये एक और डिजीज़ है. इसमें भी क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है, तो चाइल्ड बिकम्स थिन, बट वही सेम अंडर वेट, दैट लूजेस फोल्ड्स ऑफ स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द मसल्स गेट वेस्टेड. लूजेस फोल्ड्स ऑफ द स्किन मतलब जो स्किन की टाइटनेस होती है वो धीरे धीरे लूज पड़ने लगते हैं. जैसे बच्चा अपनी एज में जो टाइटनेस होनी चाहिए स्किन में, खिंचाव होना चाहिए, वो नहीं होता है. तो देर इज़ इट लूजेस फोल्ड्स ऑफ स्किन एंड इट कैन बी सीन ऑल ओवर, पूरी बॉडी में दिखता है वो. यू कैन सी हियर द पिक्चर इज ऑल्सो गिवन. थिन हेयर, बोनी फेस मतलब हड्डियाँ दिखने लगती हैं. लॉस ऑफ मसल्स
मसल्स जो होते हैं, बॉडी वेट जो है वो कम रहता है. मरास्मस कैन बी क्योर्ड अगेन मदर रिच में मदर्स मिल्क विच इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फूड. तो ये क्या है कि ये सब चीज़ें जब अच्छे से बच्चे को फीड कराई जाए, खिलाई जाए, तो ये क्वाशियोरकर और मरास्मस डिजीज़ नहीं होती है. एंड द चाइल्ड इज़ एबल टू ग्रो प्रॉपरली. आप इतने हेल्दी अच्छे हुए हैं, आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, मतलब आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छा खिला पिला रहे हैं और आपको अपने पेरेंट्स का मानना चाहिए, अच्छा हेल्दी फूड खाना चाहिए जिससे आपकी हेल्थ अच्छी मेंटेन रहे. अब दूसरी डिजीज़ आती है, कैन बी कॉज विटामिन्स की कमी हो. हमने विटामिन्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, वो कैसे हमको हेल्प करते हैं. अब अगर उनकी कमी हो जाए, हमारी डाइट में विटामिन्स मिनरल्स नहीं हो. नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस इज़ अ डिजीज़, मतलब अनेबल टू सी इन द डिम लाइट. जो पर्सन है अंधेरे में, मतलब डिम लाइट हो तो उसमें नहीं दिखता है, आइज की डलनेस होती है. फिर इन दिस डिजीज अ पर्सन कैन नॉट सी, रात में नहीं दिखता है. फिर ड्राई एंड स्केली स्किन भी होती है, ड्राइनेस रहेगी स्किन पे, रिंकल्स दिखने लगेंगे. और ये कैसे ठीक हो सकता है? हमको कैरेट खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स, दूध पीना है. दिस इज़ विटामिन ए. विटामिन्स हमारे पास हैं ए बी सी डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी. पेज नंबर 53 आपके टेक्स्ट बुक में दिया भी हुआ है इसके बारे में. तो विटामिन ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस. देन कम्स द लैक ऑफ विटामिन बी. लैक ऑफ विटामिन बी से होती है डिजीज़ जिसको बोला जाता है बेरी बेरी. बेरी बेरी डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 होता है, B12 होता है. तो स्वेलिंग एंड पेन इन लेग्स, ये सिम्टम्स हैं. टांगों में स्वेलिंग, सूजन रहेगी, टांगें दुखती रहेंगी, मसल्स वीक होंगे. डिजीनेस एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब क्या होगा, आलस आता रहेगा, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी. लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख नहीं लगेगी, हमको आलस आता रहेगा, ऐसा लगेगा सोते रहें और भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी. तो दैट डिजीज़ इज़ कॉल्ड एज बेरी बेरी, लैक ऑफ विटामिन बी न्यूट्रिएंट. वो कैसे ठीक कर सकते हैं? विटामिन बी किस किस में प्रेजेंट रहता है? मिल्क में, अनपॉलिश्ड राइस, मीट, ग्रीन पीस, अभी तो मटर का मौसम भी है, सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स भी अभी विंटर सीजन में बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, आप अच्छे से खा सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में विटामिन बी मेंटेन रहे. यू आर सपोज टू इट. सी देखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ऑलमोस्ट सब तरह के न्यूट्रिएंट्स आप खाएंगे तो सब तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे. अब आती है स्कर्वी डिजीज़. दिस इज़ कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन सी. ये हमारे दांतों से रिलेटेड होती है, गम से रिलेटेड होती है, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स. आप पेज नंबर 53 में देखेंगे, इसकी पिक्चर भी दी हुई है. हमारे जो गम्स होते हैं टीथ के नीचे, उसमें ब्लड निकलने लगता है और सूजन आती है. अब अगर हमारे टीथ को और गम्स को हमको मजबूत रखना है, अच्छा रखना है, तो हमको फिर से वही ग्रीन वेजिटेबल्स, फिर फ्रूट्स एंड वेजी फ्रूट्स खाने, टमाटो, लेमन, विटामिन सी जिसमें हो, स्पेशली खट्टी चीज़ों में होता है जैसे कि नींबू में, टमाटर में, तो वो खाने से क्या होगा, हमारी बॉडी में विटामिन सी का मेंटेनेंस रहेगा ना, और दांतों में दुखेगा नहीं, आप देख सकते हैं पिक्चर में. तो ये गम्स में और टीथ में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम विटामिन सी रिच फूड खाते हैं. देन कम्स रिकेट्स. रिकेट्स इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. दिस डिजीज़ is caused in which bones become soft. Bones बहुत soft होते हैं और twist और bend हो सकते हैं. आप rickets की picture भी आपके textbook में page number 53 पे दी हुई है. Vitamin D along with mineral, calcium and phosphorus makes bones and teeth hard and strong. तो इसमें क्या होता है, bones हमारे soft होंगे, मतलब जैसे हमको थोड़ा सा भी धक्का लगेगा तो हमारी हड्डी टूट जाएगी, bones weak रहेंगे. तो इससे क्या होगा, और bow shaped leg रहेंगे. आप देख सकते हैं ये bow shaped legs है, यानी लेग्स में थोड़ा सा सीधेपन नहीं रहेगा, स्ट्रेट लेग्स नहीं रहेंगी बल्कि ट्विस्टेड रहेंगी. विटामिन डी की कमी कैसे पूरी कर सकते हैं? विटामिन डी सनरेज में होता है, धूप में बैठना, अभी तो ठंड के मौसम में बैठ सकते हैं. उसके बाद अच्छा अच्छा खाना खाना, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा. देन आती है डिजीज़ गॉइटर. डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन.
अ ग्लैंड इन द नेक स्वॉलन रीजन, ये पेज नंबर 52 पे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। जो गले का एरिया है उसमें बहुत सूजन आ जाती है। आयोडीन नमक में रहता है, हम जो सॉल्ट खाते हैं इसीलिए आजकल एड्स में बोला जाता है आयोडीन रिच सॉल्ट। तो आयोडीन खाने से हमको गॉइटर डिजीज़ नहीं होगी, और एक और डिजीज़ होती है थायराइड, वो भी नहीं होगी। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग आयोडाइज सॉल्ट फिश एंड सी फूड, क्योंकि अगर फिश, जो लोग फिश खाते हैं या सी फूड खाते हैं तो वो पानी का रहता है इसीलिए उसमें नमक प्रेजेंट रहता है, इसलिए उन लोगों को गॉइटर कम होता है जो मोस्टली फिश और सी फूड खाते हैं। पर आप लोग नहीं खाते हैं तो आपको आयोडीन रिच सॉल्ट ज़रूर खाना चाहिए। देन कम्स डिजीज अनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी, ये मिनरल्स हैं। तो अनीमिया पर्सन फेस लुक्स पेल, मतलब बहुत ही येल्लो यश फेस या वाइट फेस दिखता, ग्लो नहीं रहता। ब्रीदिंग रेट इज मोर स्पेशली आफ्टर एक्सरसाइज, क्रैम्प्स इन लेग्स, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आर सम सिम्टम्स, मतलब थोड़ा सा काम करके हाँफने लगते हैं, तेज तेज सांस लेने लगते हैं, लेग्स जब चलते हैं तो आवाज़ आती है, और ब्रीदिंग रेट बहुत हाई रहता है। अब आयरन की कमी पूरी करना, सबसे ज़्यादा आयरन रहता है पालक में यानी स्पिनच में, और फिर आप ये देख सकते हैं कितने सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं, ग्राउंड नट में होता है, मीट में होता है, एग्स में होता है। तो कुछ भी आप इनमें से खा के आयरन की कमी पूरी कर सकते हैं, दैट इज़ मिनरल आयरन, तो अनीमिया नहीं होगा। देन कम्स अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीजेस, अभी हमने बात करी थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, नाउ कम्युनिकेबल विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से दूसरी पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं, विच स्प्रेड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन, जैसे कि अभी सबसे बड़ी कम्युनिकेबल डिजीज़ चल रही है COVID-19, और अब तो ये करोना वायरस। इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एयर, इन्फेक्टेड फूड, वाटर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कट्स इन द स्किन और इंसेक्ट्स वाइज, दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। करोना सबसे ईजिली कम्युनिकेबल है। सो जो एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, दे कैन बी ट्रांसफर थ्रू बैक्टीरिया, वायरस, फंगा, नॉन लिविंग और लिविंग एजेंट्स, प्रोटोजोआ, फंगा, जैसे कि आपने एग्जाम्पल्स देखे हैं, हमारा नोज खुला, माउथ खुला, पानी पिया, खाना खाया, अगर उसमें ये सब प्रेजेंट है तो ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं। बैक्टीरिया से डिजीज़ हो सकती है, प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, निमोनिया, मैग्नेटिस, तो ये डिजीज़ बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र होती हैं। बैक्टीरिया मोस्टली सब जगह प्रेजेंट होते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर आल्सो, इफ़ यू लीव योर वाटर और फूड अनकवर्ड, सो उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकती है। यू कैन सी दिस बैक्टीरिया, बहुत ही माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ही जल्दी कहीं भी ग्रो होता है, मल्टीप्लाई होता है। नॉट ओनली बैक्टीरिया, दिस वायरस ऑल्सो, वायरस के बारे में तो आप अच्छे से जान गए होंगे, कोरोना वायरस। देन प्रोटोजोआ, इट कॉजेज डिजीज लाइक मलेरिया एंड अमेबिक डिसेंट्री। प्रोटोजोआ भी एक तरह का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यू कैन सी द पिक्चर हियर, जिससे कि क्या होता है, इट कॉजेज कम्युनिकेबल डिजीज डिसेंट्री, मतलब लूज मोशन। मलेरिया, मलेरिया इज कॉज बाय प्रोटोजोआ, मलेरिया बहुत ही कॉमन हो जाता है अगर ये इंसेक्ट बाइट करे, एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो के बाइट से होता है मलेरिया, इसलिए बोला जाता है कि मच्छर हो तो हमको प्रिकॉशन लेने चाहिए, और हम लोग को कहीं भी गंदगी नहीं करनी चाहिए जिससे मच्छर हो। देन कम्स वायरस, वायरस कैन बी कॉज्ड डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल एंड COVID-19 भी अब आ गया, ठीक है। तो इसके कारण, वायरसेस के कारण इस तरह के डिजीज हो सकते हैं विच कैन कॉज डैमेज टू द बॉडी। पोलियो तो लाइफ लॉन्ग होता है, विच इज़ नॉन क्योरेबल, कितनी डिजीज़ ऐसी होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि नॉन क्योरेबल, मतलब कभी ठीक ही नहीं हो सकती, एक बार लग गई तो वो ठीक नहीं होगी। इवन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में भी ऐसी कितनी होती है जो एक बार लग गई तो ठीक नहीं होंगी। सो वी हैव टू टेक केयर अ लॉट टू मेक अवर बॉडी हेल्दी, वेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अगर हम टेक केयर नहीं करेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम आती रहेगी। COVID-19 से तो आप लोग अच्छी तरह
आपको पता है उसके बारे में, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, तो इसके बारे में इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी मैं। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ कौन सी कितनी डिजीज होती हैं, कॉमन कोल्ड, अगर किसी को सर्दी जुकाम है हम उसके पास में बैठ गए तो हमको भी हो जाएगा, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रिंगवर्म, वूपिंग कफ मतलब बहुत खांसी आना, सूखी खांसी आना। ये देखिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू एन ए हेल्दी पर्सन। सो एज यू कैन सी हियर, सो फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय एयर, बाय फूड, बाय एनिमल्स, बाय मॉस्किटो, बाय हैंड शेकिंग, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो 100% हेल्दी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी होता है कि अगर हमने किसी के जूठे ग्लास में से पानी पी लिया, जूठे कप में चाय या दूध पी लिया, या फिर हमने इन्फेक्टेड पर्सन का टावेल या कपड़े यूज़ कर लिए, या उसका उसका कोई भी यूजेबल आइटम यूज़ कर लिया, तो फिर ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है जिससे ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कि अभी COVID-19 का चल रहा है, अगर हमने उस किसी इन्फेक्टेड कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन की कोई भी चीज़ टच कर ली तो वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, पर उससे दूसरे पर्सन को हो सकता है कोविड, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट हो सकता है अगर किसी पर्सन ने स्नीज किया, कफ किया, तो या उसका खाना, बचा हुआ खाना किसी ने खा लिया, तो उससे भी हो सकता है। So these are all the ways by which communicable diseases can be transferred. हमको ध्यान रखना है, हमको infected person के कपड़े हैं उनको use नहीं करना, और अगर उनको wash करना है तो उसको अच्छे से wash करके proper Dettol या Savlon से disinfect करना है, sanitize करना है। अगर किसी को छींक आ रही है या खांसी हो रही है तो ज़रूर अपना mouth covered रखें, we should cover our mouth। हमारे सराउंडिंग्स को हमेशा क्लीन एंड हाइजीनिक रखना है। पानी को कहीं भी जमा नहीं होने देना है, वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैगनेंट एट होम। अगर पानी कहीं इकट्ठा हो रहा है तो उसको निकाल देना है, क्योंकि स्टैगनेंट वाटर यानी रुके हुए पानी में मच्छर होते हैं। एंड बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास के एरिया को हम क्लीन रखें और मच्छरों को नहीं होने दें। अगर मच्छर होते हैं तो दवाई डलवाएं, अगर हमारे जो प्रॉपर वैक्सीनेशंस है, वैक्सीन है, वो लेने ज़रूरी हैं। आपकी एज में अभी वैक्सीनेशन रहता है, मैक्सिमम 15 इयर्स तक वैक्सीन चलते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, विच योर पेरेंट्स मस्ट बी नोइंग। सो वैक्सीनेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप अवर बॉडी हेल्दी। जो वैक्सीन की जो मेडिसिन होती है वो हमारी बॉडी में जाके जर्म से लाइफ लॉन्ग फाइट करती है, जिससे हमारी बॉडी में अनवांटेड बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस अटैक नहीं करते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू बी अलर्ट अबाउट अवर बॉडी। हमारी बॉडी को क्लीन रखना है, हाइजीन रखना है, हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन एंड हाइजीन रखना है, बिकॉज आवर बॉडी इज़ गॉड गिफ्टेड एंड द हेल्थ इज़ अ बिग गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जो हेल्दी हैं, जो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तो वो भगवान का गिफ्ट है जो हमको मिला है, तो हमको उसका टेक केयर करना और वो गिफ्ट को संभाल के रखना है। सो ये सब प्रिकॉशन लेंगे तभी ही हम ठीक रह पाएंगे। एज़ यू कैन सी हियर, Then we will have pictures related to the prevention of communicable diseases. You can see in the picture whatever I had explained you, house clean, toilet clean, our area clean, kitchen सबसे ज़्यादा clean होना चाहिए, क्योंकि kitchen ही main thing होता है जहाँ पर खाना बनता है, बहुत ही hygiene होना चाहिए। वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम, आपके पेरेंट्स को पता ही होगा टाइम टेबल। बेड जो है, बेड भी क्लीन होना चाहिए, क्योंकि बेडशीट में, पिलो कवर्स में भी जर्म्स रहते हैं, तो वो उसको भी टाइम टू टाइम हमको धूप में सुखाना चाहिए, जिससे कि जर्म्स नहीं हो, उसको डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। दीज आर प्रिकॉशंस आर वेरी वेरी नेसेसरी टू टेक केयर सो दैट आवर बॉडी इज़ हेल्दी, फिट एंड फाइन। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होंगी, क्योंकि अगर जर्म्स, वायरस, प्रोटोजोआ ये सब नहीं होंगे
तो क्या होगा, ये कम्युनिकेबल डिजीजेस हमसे दूर रहेंगी. सो डिजीज़ विच कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज़ कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. एंड डिजीज़ कैन बी विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज़ कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज़. नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज़ एक ही बात होती है, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स यानी किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होती है. और डिजीज़ की क्या डेफिनेशन जो हमने पहले भी डिस्कस करी, कोई भी एबनॉर्मलिटी बॉडी में हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ डिजीज़ इन विच वी डू नॉट फील वेल. सो यू कैन सी हियर, ये सारी चीज़ें आपके दी हैं जो हमारे घर की हैं, डेली रूटीन की चीज़ें हैं, उसमें आपको बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रखनी है. लाइक यू कैन सी हियर, चेंजिंग द बेड शीट्स ऑलवेज, चेंजिंग द पिलो कवर्स, किचन का हमेशा एरिया क्लीन और ड्राई होना चाहिए. वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम लेनी है, जितना ड्राइनेस होगी उतने ज़्यादा जर्म्स ब्रीड नहीं करेंगे. सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी प्रोटेक्टेड, सेफ एंड हेल्दी. अभी एक रिवीजन टाइप करेंगे. ह्यूमन बींग्स हैव सफर्ड फ्रॉम मैनी डिजीजेज, मैनी ह्यूमन बींग्स. सो डिजीज इज अ कंडीशन इन विच द पर्सन्स बॉडी डज नॉट वर्क प्रॉपरली एट ऑल. इट कैन बी कॉज बाय जर्म्स, आप देख सकते हैं पिक्चर्स, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अंडर द माइक्रोस्कोपी दिखते हैं. उसके बाद आता है जर्म्स विच आर ऑफ मैनी काइंड, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये माइक्रोस्कोप में ही दिख सकते हैं, जो अलग अलग तरह की डिजीज़ हम दे सकते हैं ह्यूमन बींग्स को. पेज नंबर 54 में आपके टेक्स्ट बुक में इसके बारे में लिखा भी हुआ है. इनकी देखिए शेप कैसी है. वायरस जो हैं उनकी शेप तो आपको पता ही होगी अच्छे से, बिकॉज ऑफ द कोविड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप हमारे साइंस लैब में है, जिसमें ये स्लाइड्स रहते हैं. आप जब भी स्कूल आएंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इन सब की इमेजेस माइक्रोस्कोप में. एंड ये सब डिजीज़ जो करते हैं बहुत ही नुकसान करते हैं ह्यूमन बॉडी को. दे आर वेरी वेरी हार्मफुल एंड दे कैन कॉज सिवियर इन्फेक्शंस इनसाइड द बॉडी. और कुछ इन्फेक्शंस तो लाइफ लॉन्ग होते हैं. ये ने शॉर्ट में लिखा हुआ है पूरा टेबल बना के, कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, इनसे किस तरह की डिजीज़ होती है. एंड दिस टेबल यू हैव टू मेक इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. एक और मैंने नहीं बताया आपको, मैल न्यूट्रिशन इज़ अ टर्म इन विच द बॉडी डज नॉट हैव प्रॉपर नरिशमेंट. जिन लोगों को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं, खाना पीना नहीं मिलता है, उसको मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं. देखिए कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेडिंग थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जब इन्फेक्टेड पर्सन हेल्दी पर्सन को डायरेक्टली टच करता है या उससे बात करता है, उसके पास में बैठ के या उसके कपड़े, जैसे कि मैंने आपको बताया तो उसके कपड़े या उसके बर्तन यूज़ किए जाते हैं, बुक्स से भी होता है, तो ये कपड़ों से होता है, टॉवल्स मैंने आपको बताए थे, इन सब चीज़ों से डिजीज़ स्प्रेड होती है. अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने वो बुक पढ़ी है और हमने वो बुक फिर से लेके पढ़ी तो भी हो सकता है. सो दिस इज़ द वे टू स्प्रेड. कट्स इन स्किन, अगर हमारी स्किन में कोई कट आ गया, मतलब वो बॉडी एरिया ओपन हो गया, तो अगर हम इस पर बैंडेज नहीं लगाएंगे या पट्टी नहीं बांधेंगे तो ये ओपन रहेगा. तो इसमें क्या होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो जर्म्स, बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे थ्रू द कट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी. इसलिए बहुत ज़रूरी है अगर कोई चोट लगती है तो उस पर पट्टी बांधना. फिर कैरियर्स जो हैं मॉस्किटो मेनली होते हैं, और अगर कोई बाहर से आ रहा है और उसके कपड़े ख़राब हैं, स्पेशली हमको जब भी बाहर से आए हमको ज़रूर हमारे हैंड्स फेस वॉश करना चाहिए, कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, तो पर्सन खुद भी एक कैरियर हो सकता है बाहर से जब वो घर में एंटर करता है. दे देमसेल्व्स कैन बी कैरियर ऑफ द डिजीजेस विच कैन कॉज either communicable diseases which can be harmful or sometimes they can be cured also
वेरी इजीली। इसलिए आप जब भी बाहर से आए सीधे वॉशरूम जाइए और अपने आप को क्लीन करिए। पॉल्यूटेड सॉइल, मिट्टी गंदी होती है, उसमें जर्म्स होते हैं, इन्फेक्शन होता है, तो उससे क्या होता है, उससे वो कैरियर होते हैं, तो वो अगर सॉइल में बहुत ही इन्फेक्शन है तो हमारी स्किन के अंदर एंटर करके भी डिजीजेस कर सकता है। तो अगर आप मिट्टी में खेलते हैं, आप ज़रूर से घर में जाके वॉशरूम में हो जाके अच्छे से अपने आप को क्लीन करिए। नेल्स को कट रखना है क्योंकि नेल्स में भी मिट्टी भर जाती है। हमारी उंगलियों के बीच में जो जगह होती है पैरों की और हाथों की, उस बीच के एरिया को भी क्लीन रखना चाहिए। सो यू कैन सी हियर, खांसने से, छींकने से भी अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। सो वी नीड टू टेक केयर, वी नीड नॉट नीड टू सिट और टॉक टू द इन्फेक्टेड पर्सन, सॉरी, बाय सिटिंग क्लोज टू देम। देन स्प्रेडिंग थ्रू इन्फेक्टेड फूड, गंदा खाना, रखा हुआ खाना, गंदा पानी नहीं पीना है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में जर्म्स जाते हैं जो डायरेक्टली हमारी बॉडी को ख़राब करते हैं। या खाना अनकवर्ड कभी नहीं रखना चाहिए। अगर कोई खाना है या पानी है जो आप थोड़ी देर बाद लेंगे तो उसको ज़रूर कवर करके रखें, क्योंकि ओपन फूड और ओपन वाटर में बहुत ज़्यादा जर्म्स का कलेक्शन रहेगा, जिससे कि वो खाने को ख़राब कर देगा। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ अवर ईटेबल आइटम्स प्रॉपरली। देन वी नीड टू सी दिस that many persons are not able to think about that, so we need to take precautions and keep a proper distance from an infected person so that you are not infected. But remember to take care, ऐसा नहीं कि उनसे दूर ही रहना, पर उनका ध्यान भी रखना है और उनकी टेक केयर भी करनी है टाइम टू टाइम। सो जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन को अलग रूम में रखना है, पर ध्यान पूरा रखना है कि उनका खाना पीना प्रॉपर मिले, उनका एरिया क्लीन हो, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। सो पर्सन शुड बी सेपरेटेड एंड उसके कपड़े, उनके बर्तन अच्छे से धो के डिसइंफेक्ट ज़रूर करने चाहिए। वी नीड टू टेक केयर दैट द सराउंडिंग्स आर ऑल्सो क्लीन एंड हाइजीनिक फॉर द कम्युनिकेबल डिजीज पर्सन, so that there is no more infection. Then if the garbage is collected, तो कचरा फेंकना चाहिए definitely in the dustbin. We should not throw the garbage here and there, क्योंकि जो कचरा होगा उस पर germs जल्दी grow होंगे। जहाँ पर गंदगी होगी germs multiply भी होंगे, grow भी होंगे। So we should always throw the garbage in the dustbin. We should always prevent the growth of mosquitoes by cleaning and mopping our house, as well as the surrounding should be kept clean by always keeping the surroundings clean. ये मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, so please take care. हमारे अभी तो और alert होना है कोरोना वायरस के कारण। हमारे सब खाने पीने की चीज़ें, हमारी surrounding की चीज़ें hygienic होनी चाहिए, जिससे कि आगे परेशानी नहीं आए। ड्रिंक प्रॉपर मिल्क इन योर एज, मिल्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अवर बोन्स हेल्दी, एज वेल एज कैल्शियम मेंटेनेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। इफ़ वी ड्रिंक द मिल्क, कैल्शियम भी मेंटेन रहता है बॉडी में। देन वी हैव अनदर थिंग टू टेक द वैक्सीनेशन बाय By this we are always protected. तो वैक्सीनेशन तो आपके पेरेंट्स को पता ही है, जिससे कि ये हम लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे। नाउ वी कम ऑन द एक्सरसाइज कीवर्ड्स, दिस यू हैव टू राइट इन योर साइंस नोटबुक विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, एज वेल एज यू हैव टू लर्न ऑल्सो। देन वी कम ऑन पार्ट ए एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स, हियर आंसर्स आई हैव रिटन। अ डिजीज इन एनी डिफेक्ट is an any defect or abnormality found in the body. Children in the age group of 6 months to 3 years often suffer from protein carbohydrate deficiency diseases. Minerals are present in small amounts in our body.
The disease that causes enlargement of glands in the neck is known as goiter. The disease that gets spread through insects, air, water and soil are known as communicable disease. Match the following. You can see here numbers I have written. Then we come on the correct options. 1C, 2B, 3A, 4B, then comes 5th D. Then comes our part D. Question answer, short answers. State the two main categories of diseases. So that is, the two main categories of diseases are communicable disease and non-communicable disease. Write two symptoms of beriberi. So this is on page number, the table is given here. So here you can see the symptoms are written and it is on page number 53. Extreme weakness and paralysis of body parts. So aap aise likhoge, the symptoms of beriberi disease are extreme weakness and paralysis of body parts. Then we come on next question. Name any two diseases that are spread through the bite of mosquitoes. So you will get this on page number 54. Mosquito bite. The disease like malaria and dengue are spread by the bite of mosquitoes. Then children, here many questions you have to write on your own. मैंने बहुत detail में आपको chapter explain किया है. A girl finds it difficult to see in dim light and has dry and scaly skin. Name the disease she might be suffering. So, dim light mein, that disease is night blindness. We should not allow water to stagnate around our homes. मतलब पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है हमारे घर के आसपास. क्या reason है? It is because mosquitoes breed on stagnant water and it can cause many diseases. ये आप अपने own words में लिखोगे. Then part E, how does calcium phosphorus deficiency affect our body? ये page number 52 पे है. तो यहाँ पे लिखा है calcium phosphorus deficiency, दो points लिखे हैं that you can write in your notebook. उसके बाद ये सब questions आपको own words में लिखने हैं. Suggest some measures that can help us to prevent the occurrence of deficiency disease. मैंने बहुत सारे precautions आपको अभी video में explain कर दिए. तो आप कुछ भी, कोई भी 3 precautions आप लिख सकते हैं. How can we prevent the spread of germs from sick person to healthy person? हम कैसे रोक सकते हैं? So उसके लिए related भी मैंने आपको बता दिया है. Then आपके पास यहाँ पे answers भी दिए हुए हैं. यहाँ पे precautions में we have at least 6 precautions. So from this you can take out the answer on your own. मैं आपको इस बार नहीं बताऊँगी because so much practice is given. Now you can write it in your own words. Then comes next question. Isha was suffering from chicken pox. Her teacher advised her not to come to school till she recovered completely. Why? Because chicken pox is a communicable disease. So other students also may get. So that's why it was advised to her to sit at home. You can write this in detail in your own words. Why are deficiency disease called non-communicable disease? ये reason भी मैंने आपको बता दिया है. Lack of nutrients होते हैं. Non-communicable ये transfer नहीं होती एक person से दूसरी person में. But nutrients की कमी, deficiency of nutrients causes non-communicable diseases. तो यहाँ पे आपका answer भी है. ये वाला page number 51 पे. This you can write this paragraph as the answer. So our all questions are over here. So this you have to write all the answers in your science notebook along with keywords and ABC part in your science notebook with neat and clean handwriting. So that is all for now children. Our chapter is over. You have to write everything properly in your science notebook. Read the lesson thoroughly, properly. Be good in your handwriting, maintain your science notebook. Thank you. Stay safe, stay healthy.